हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। कल हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से हमें मूवमेंट दिखा सकता है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। उससे पहले बात करेंगे आपके मिड कैप के ऊपर, मिड कैप की आज की एक्सपायरी थी, किस तरीके से मार्केट हमें चलता हुआ मिला। तो कल के दिन मैंने आपसे कहा था कि 12,565 इंपोर्टेंट आपका रेजिस्टेंस रहने वाला है। कभी लाइफ में मिड कैप यहाँ पर गया नहीं था, ये एक इनविजिबल लेवल था और इनविजिबल लेवल की एक मैथमेटिक होती है, उसके द्वारा निकाले जाते हैं। जहां पर मार्केट कभी गया नहीं हो, उस चीज को, उस रेजिस्टेंस को निकालने के लिए गणना की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मार्केट ने क्या किया। मार्केट हाई बनाता है 12,562 और यहीं से मार्केट आपका डाउनसाइड की तरफ आ जाता है। कल मैंने आपसे कहा था कि 12,550 या 12,560 के आसपास से अगर मार्केट डाउनसाइड की तरफ आता है और इंपोर्टेंट लेवल अगर आपका ब्रेक करता है तो एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है और मार्केट हमें दिखाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेवल था हमारा 12,400, अगर ये ब्रेक होता है उसके बाद में 12,330 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है और एक जबरदस्त मूवमेंट हमें अपनी डाउन साइड की तरफ देखने को मिलती है। जबरदस्त मूवमेंट हमें फर्स्ट कैंडल, उसके बाद में मार्केट अगेन रिट्रेसमेंट और उसके बाद में सीधा डाउन साइड की तरफ। इस चार्ट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिला है, सारी चीजें आज आपको इस चार्ट के अंदर देखने को मिलेगी। देखिए, परफेक्ट चार्ट, परफेक्ट सब कुछ, परफेक्ट कब बनता है, सब कुछ परफेक्ट कैसे बनता है। देखिए, आपका रेजिस्टेंस, आपका सपोर्ट, आपका प्राइस एक्शन, आपका पेशेंस और आपका धैर्य, बस ये अगर आपके पास है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेटअप, बस पेशेंस धैर्य एक ही चीज है। ये पेशेंस तो मैं मेरे वो अंग्रेज लाडल है उनके लिए बोलता हूं। ठीक है, अगर ये चार पांच चीज अगर आपके पास है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, पेशेंस और आपका सेटअप, अगर ये चार पांच चीज आपके पास है, मार्केट में भाई साहब कुछ ना कुछ उखाड़ लोगे। एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जिसे मार्केट कभी ब्रेक नहीं कर पाता, एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जिसे जहां पर मार्केट, सीधी सी बात है, बात निकली है तो दिल्ली तक जाएगी ही जाएगी, बात निकली है तो बात दिल्ली तक जाएगी जाएगी और बात निकलती है हमारे रेजिस्टेंस से और मार्केट सीधा दिल्ली तक पहुंच जाती है। इस चीज को अगर हम एक प्रोजेक्शन के हिसाब से समझने की कोशिश करें, तो बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट हाई ये बनता है, सेकंड इसके नीचे हाई जो बनता है वो ये बनता है। ब्रेक नहीं कर रहा, इसका मतलब अपसाइड के बारे में तो सोचना ही नहीं है। प्रोजेक्शन आपको पैसा बनाकर भी देता है, बट इससे भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, आपको कभी ट्रैप नहीं होने देता। जो आपके मन दिलो दिमाग के अंदर ख्याल चलते रहते हैं ना कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आया, उसके बाद वो 3-4 कैंडल बनाई और अब तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्यों जाएगा, क्यों जाएगा। केवल आपको प्रोजेक्शन की समझ होनी चाहिए, अगर प्रोजेक्शन को फॉलो करते हो तो आप यहां पर कभी ट्रैप नहीं होगे, यहां आप कॉल की पोजिशन नहीं लोगे। केवल और केवल आप इस लेवल का वेट करोगे कि ये लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद में देखेंगे। और परफेक्ट प्रोजेक्शन का अगर मामला दिमाग में फिट बैठता है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। अगेन मार्केट के अंदर शॉर्ट कब बनता है और अगेन मार्केट जैसे इस लो को ब्रेक करता है उसके बाद में मार्केट आपका 12,450 यहां से आपका डाउन साइड की तरफ मार्केट आ जाता है 12,326, एक अच्छी खासी स्टार पोल हमें देखने को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। पेशेंस किस तरीके से, लो मिड गैप का चार्ट ही ऐसा लगा, मिड गैप का चार्ट ही गायब हो गया, कितना गया रे 13, क्योंकि अभी उसमें समझाना बाकी रह गया। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये हो चुका, उसके ऊपर बात क्यों कर रहा है, जरूरी है बात करना, ये जरूरी है, बात करना भी जरूरी है। पेशेंस किसे कहते हैं एक्चुअल में, देखिए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस ये हो गया, आप कहते हो कि हम होल्ड नहीं कर पाते, तो देखो जो लंबे रेस के घोड़े होते हैं ना, उनका एसएल एक रेजिस्टेंस के पास में और एक सपोर्ट के पास में होता है, स्टॉप लॉस।
जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं वो कभी पैसे के ऊपर एसएल नहीं लगाते, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। एक्चुअल में स्टॉप लॉस कौन लगाते हैं या फिर वो छोटे छोटे पोजीशन में कौन डर जाते हैं, जैसा कि मैं 5-10 पॉइंट में निकल के भाग जाता हूँ, ठीक है। तो जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो किस तरीके से मार्केट को प्लान करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मार्केट यहीं से डाउन साइड की तरफ आया, मार्केट ये तो है ही नहीं कि मार्केट ऐसे गिरता हुआ सीधा नीचे आ जाएगा। मार्केट का स्ट्रक्चर होता है डाउन अप डाउन अप डाउन अप, इसे तो कहते हैं प्राइज एक्शन, कि मार्केट एक प्राइज एक्शन को फॉलो करता हुआ आपका चल रहा है, ठीक है। या अप साइड की तरफ जाएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक। मैं उन विद्वानों की बात कर रहा हूं जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, जिनके स्टॉप लॉस खूंटे पे होते हैं। खूंटे, खूंटे का मतलब समझते हो, खूंटे का मतलब होता है कि गाय भैंस को हर जगह नहीं बांधा जाता, उसकी एक प्रॉपर जगह होती है जिसको खूंटा कहा जाता है, उसकी रस्सी को उसके ऊपर बांधा जाता है। तो इसी प्रकार से ये हो गया स्टॉप लॉस, और उसके बाद मार्केट डाउन अप डाउन, ये होता है लंबी रेस का घोड़ा। और ये कहानी खत्म हो जाती है 11:30, उसके बाद में आराम से, ठंड का मौसम है, बारिश है, कंबल ओढ़ो और सो जाओ बस। और ये कौन करता है, ये कौन करता है, एक्चुअली मैं आपको पता है ये कौन करता है, ये जो मामले रहते हैं यहाँ पर। देखिए मार्केट इतना ही था, मार्केट 11:30 पे खत्म हो गया था, ये मार्केट नहीं था। ये तो उनके लिए था जो हीरो जीरो के अंदर करोड़पति बनना चाहते थे, ये उनके लिए था, और वो बन भी गए होंगे, रियलिटी फैक्ट है, वो बन भी गए होंगे। एक्चुअल में देखिए हर टाइम का मार्केट नहीं होता, टाइम का मार्केट होता है, हर टाइम का मार्केट नहीं होता, टाइम का मार्केट है। अगर टाइम का सदुपयोग कर लिए तो सब कुछ है। और टाइम का सदुपयोग कब होगा, जब हम परफेक्ट मोमेंट के अंदर एंट्री मारेंगे, वरना उसके बाद में तो 3 घंटे मार्केट एक रेंज के अंदर बिताता है और इस रेंज के अंदर कुछ नहीं उखड़ता है, ठीक। तो ये मिड गैप की बात हो गई, समझाने के लिए था, एजुकेशन पर्पज से बात बैंक निफ्टी की होगी, कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, फिर निफ्टी की बात होगी, फिर निफ्टी की होगी। वीडियो कंप्लीट देखना, अधूरे में मत देखा करो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर कल मार्केट चलेगा, मूवमेंट देगा और आप कहोगे कि ये कब कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज मार्केट ने क्या किया, और मार्केट को हम समझेंगे 30 मिनट के ऊपर, बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट रेंज बन चुकी है, मार्केट कर क्या रहा है। आज भी मार्केट ने हमारी कल की क्लोजिंग का, कल की क्लोजिंग से मतलब है 5 जुलाई वाली क्लोजिंग के आसपास मार्केट ने लो को रेस्पेक्ट किया है, हाई को रेस्पेक्ट किया है, और मार्केट कहीं गया नहीं है। अपसाइड की तरफ 52,650 और डाउन साइड की तरफ 52,250, ठीक है, 52,250 इसी रेंज के अंदर मार्केट आपका उठा पटक करता रहा। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, एक मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट रेंज बनी हुई है, इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लेना। मैं कई बार लाडले कहते रहते इंपोर्टेंट बहुत बोलते हो गुरु जी, क्या करूं। तो जब भी मैं इंपोर्टेंट बोलता हूँ लाडलो के कान खड़े हो जाते हैं, थोड़ा अच्छे से सुनते हैं, इस वजह से इंपोर्टेंट करता रहता हूँ, घर में भी करता रहता हूँ इंपोर्टेंट। घर वाले बोलते हैं कुछ नॉर्मल भी बता दे, नॉर्मल कुछ भी नहीं है जिंदगी के अंदर, सब कुछ इंपोर्टेंट है, सब कुछ इंपोर्टेंट। देखो ये इंपोर्टेंट रेंज हमारे सामने निकल कर आ जाती है, अपसाइड की तरफ हमारा जो लेवल है वो है 53,000 का साइकोलॉजिक लेवल। डाउन साइड की तरफ बात करें तो हमारा इंपोर्टेंट लेवल है 52,000, देखो फिर इंपोर्टेंट निकल के आया ना, ठीक। तो ये एक रेंज निकल कर आ जाती है, एक बॉक्स पैटर्न बना हुआ है, एक बड़ा बॉक्स पैटर्न हमारे सामने आ गया है। डाउन साइड की तरफ मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाया। अपसाइड की तरफ मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाया, ठीक है। मार्केट एक रेंज के अंदर है, बॉक्स पैटर्न अगर आप समझते हो तो एक अच्छी खासी मूवमेंट या तो इसके नीचे या इसके ऊपर तभी हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं सोचना है। चलिए ये बता देता हूँ स्कैल्पिंग का करनी है, ये आपके लिए है कि कब हमें बड़ा सोचना है, इसके ऊपर और इसके नीचे, उससे पहले कुछ भी नहीं। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर, ये आपको समझाने के लिए 30 मिनट की 30 मिनट के चार्ट फ्रेम पर आए थे। अब हम पकड़ेंगे केवल 2 दिन की रेंज, क्योंकि हम कल के बारे में बात करने वाले हैं, इंट्राडे के बाद
बात करने वाले हैं। तो कल की रेंज को अगर हम पकड़े तो हमारे पास अपसाइड की तरफ जो ये कैंडल है इसका हाई पकड़ में आएगा और ये लेवल है 52,800, एक परफेक्ट लेवल है। अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है उसके बाद में हमें वापस 53,000 और इसके बाद में 53,200 तक की मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बात अगर डाउन साइड की तरफ करें तो इंपोर्टेंट लेवल आपके लिए यही रहने वाला है। देखो फिर एक बार इंपोर्टेंट निकल चुका है 52,144। अगर ये लेवल अपसाइड डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो जाता है तो 52,050, उसके बाद में आपका 51,980 और इसके बाद में 51,905 के लेवल हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और जो इंपोर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिए है, जो लेवल मैंने आपको बता दिए है अपसाइड और डाउन साइड, उसके अपसाइड या डाउन साइड जो 30 मिनट के ऊपर समझाया है वो हमारे लिए परफेक्ट रहने वाले हैं। उनके ऊपर और नीचे के बढ़िया अच्छी खासी कैंडल के साथ क्लोजिंग हो 15 मिनट की, उसके बाद में परफेक्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं निफ्टी की कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है, निफ्टी के अंदर क्या होने वाला है, निफ्टी हमें किस तरीके से मूवमेंट दिखा सकती है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। निफ्टी ने कल हमारी जो मैंने आपको कल ट्रेड लाइन बताई थी उसी को फॉलो कर रहा है और उसी को फॉलो करता हुआ चल रहा है। एक ट्रेड लाइन बनी हुई है इस तरीके की और निफ्टी बार 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 इसी को रेस्पेक्ट कर रहा है। आज भी मार्केट इसी को रेस्पेक्ट किया, 8 तारीख का मार्केट भी आज इसी तरीके से ग्रीन कैंडल बनाता है और उसके बाद में धीरे 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 इसी को रेस्पेक्ट कर रहा है। एक अच्छी खासी मूवमेंट कब सोचेंगे, केवल और केवल इस लेवल के नीचे अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है। लेवल है 24,200, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। 24,240 कर लीजिए इसे, 24,240 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी नहीं। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद में 24,140 और उसके बाद में 24,100, उसके बाद में 24,000 का साइकोलॉजिक लेवल हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट यहां तक इस जगह तक डाउन साइड की तरफ आ सकता है, जो लेवल है आपका 24,000 के आसपास या 23,950 के आसपास, ठीक है। बात अपसाइड की करें तो अपसाइड की तरफ क्या देखना है, अपसाइड का मामला हमें इस तरीके से देखना है कि मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की है, एक बॉक्स पैटर्न क्रिएट किया है और बॉक्स पैटर्न पर ध्यान देना चालू कर दो, भलाई इसी में है। अगर इधर मार्केट के अंदर सस्टेन होना है, मार्केट यहाँ ब्रेक करने की कोशिश करता है नहीं हो रहा, मार्केट यहाँ ब्रेक करने की कोशिश करता है नहीं हो रहा, एक अच्छी खासी मूवमेंट इस लेवल के नीचे, जो लेवल मैंने आपको दिया एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड के इस लेवल के ऊपर, ठीक है। 24,350 के आसपास मार्केट ऑलरेडी खड़ा है, कल क्या हो सकता है इंट्राडे के दौरान, एक लेवल नोट कर लीजिए 24,408। ये लेवल अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है उसके बाद में हमें मार्केट दिखा सकता है 24,466 और इसके बाद में 24,515 और इसके बाद में 24,545 प्लस की मूवमेंट हमें मार्केट अपसाइड की तरफ दिखा सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं आपकी फिन निफ्टी के ऊपर, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली, फिन निफ्टी को समझेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पर, अच्छा बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, आपको पल्ले पड़ने वाला है कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो लगाते हैं वन डे का चार्ट, वन डे का टाइम फ्रेम। देखो कल भी मैंने आपको समझाया था, आज फिर मैं आपको समझा देता हूं, मार्केट के अंदर मूवमेंट कब जनरेट होगी, पहले तो इस चीज को अपने दिलो दिमाग के अंदर गहराई में इस तरीके से बैठा लो। या तो मार्केट के अंदर मूवमेंट जनरेट होगी कोई सेटअप ब्रेक होगा, या मार्केट के अंदर कोई न्यूज होगी, ठीक है, या जो इंडेक्स है, जो इंडेक्स है और उस इंडेक्स के अंदर ऐसा कोई स्टॉक है जिस स्टॉक की स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया हो या स्टॉक का रिजल्ट खराब हो, उसको लेकर भी मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है, इंडेक्स के अंदर मूवमेंट हो सकती है। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, हमारा बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ था, HDFC का रिजल्ट आता है, रिजल्ट के अंदर कुछ ज्यादा गड़बड़ थी नहीं, बट फिर भी HDFC हमें 4-5% का फॉल दिखाता है, उसी के साथ बैंक निफ्टी हमारा डाउन साइड की तरफ आ जाता है। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, HDFC का चार्ट हालांकि यहाँ लगा हुआ नहीं है, फिर भी मैं उसके अंदर आपको अगर लेवल देना चाहूँ तो HDFC के लिए एक लेवल नोट कर लेना, मैं यहाँ मेरे पास सामने चार्ट नहीं है वरना मैं आपको बता देता, लेवल रहने वाला है HDFC के अंदर 1600 लगभग
1646 का मार्केट इस टाइम पे शायद खड़ा है 1635 के आसपास HDFC, इसके ऊपर नजर रखना। अगर इसके ऊपर चलना शुरू करता है तो हमें कल के दौरान आपकी फिन निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बाकी फिन निफ्टी के अंदर कल कुछ करना मत जब तक ये वाली रेंज अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाए और ये रेंज आपके डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाए, तब तक कुछ करना मत। डाउन साइड की तरफ 23,400 और अपसाइड की तरफ 23,800, देखो जो लेवल है वही देने पड़ेंगे, उससे पहले नहीं दे सकते, उससे बाद के भी नहीं दे सकते। ये 400 पॉइंट की मूवमेंट है फिन निफ्टी के अंदर और फिन निफ्टी कल आपको वॉलेटिलिटी क्रिएट करती हुई दिखा सकती है, सेफ ट्रेडर दूर रहे। अगर आपको लगता है जिस तरीके से आज मिड कैप निफ्टी जबरदस्त तरीके से वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रही थी, अगर आप उसे देखेंगे, अगर उसका छोटा सा चार्ट आपको देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि वॉलेटिलिटी हमें किस तरीके से प्रभावित करती है और वॉलेटिलिटी के अंदर सबसे ज्यादा हमें लॉस कई बार देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से 5 मिनट के अंदर जबरदस्त जबरदस्त कैंडल बन रही थी, कोई अप बना रहा था, कोई डाउन बना रहा था, इस तरीके से मार्केट ट्रैप कर सकता है। ये आपको छोटी छोटी कैंडल लग रही होगी, बट इन कैंडलों के अंदर जो आपके प्रीमियम है वो किस तरीके से वर्क कर रहे थे वो मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो 50 का प्रीमियम था वो दौड़ के 82 हो रहा था और जो 82 का प्रीमियम है वो दौड़ करके नीचे की तरफ 42 हो रहा। ऐसे मार्केट में वर्क करोगे, कमाओगे नहीं कमाओगे उसका फर्क नहीं पड़ता है, बट ये कर लोगे, ठीक है। तो जिस दिन मार्केट के अंदर आपको वॉलेटिलिटी नजर आए तुरंत फोन खोलो, यूट्यूब पे जाना है और वहां पर लिखना है टॉम एंड जेरी और उसके शो निकल कर आ जाएंगे, उनको आराम से देखना है, बस कुछ नहीं करना। देखो करोगे फंसोगे, फंसोगे और करोगे और करोगे इधर आ जाओगे, रियलिटी है, कड़वा सच है, समझो तो, वरना आपके एक्सपीरियंस आपको जब समझाएंगे तब आपको मेरी बातें याद आएगी, ठीक है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, मैं सुना हूं इसलिए मैं आपको बताता हूं, अगर सीखना है तो तजुर्बे से सीखिए, सीखना है तो किसी के तजुर्बे से सीखिए। अगर आप अपने तजुर्बे से सीखना चालू करेंगे तो आप वृद्ध हो के खत्म हो जाएंगे, बट गलतियां कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब भी मार्केट आपका वॉलेटिलिटी क्रिएट करे तो उस टाइम पर मार्केट से बिल्कुल दूर हो जाइए। देखिए हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है ₹50 का प्रीमियम इस तरीके से रॉकेट 100 होना, फिर 125 जाना, फिर 150 भी चले जाता है। ये एक तरीके का उसी तरीके से बारिश के दिन चल रहे हैं अभी, लगभग लगभग इंडिया के हर कोने में बारिश हो रही है इस टाइम पर। जिस दिन बारिश हो उस टाइम पर मतलब बाहर की तरफ जो रोड लाइट्स वगैरह होती है उनको देखा करो, कीड़े आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं उनके उनकी तरफ, लाइट की तरफ, किसी चीज को देख करके हम इतने आकर्षित हो जाते हैं कि हम किस कैसे भी करके उस चीज को पाना चाहते हैं। कुछ भी चीज हो सकती, वो कीड़े उस रोशनी को देख करके पाने की कोशिश करते हैं। हम मार्केट के अंदर प्रीमियम को देख करके पगला जाते हैं कि देख यार 50 का 100 गया, 100 से 150 गया, 150 से 250 भी गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। अगर फिर मन की कहानियां बनने लगती है कि काश मैंने इसे पकड़ा होता टाइम से तो आज मैं फंड को 4x 5x 10x कर चुका होता। बट आप हर टाइम पर सिक्के का एक ही पहलू देखते हो, आपको किसी ने कोई चीज कही, आपने सुना और मान लिया, ठीक। आपने सिक्के का केवल एक ही पहलू देखा है, नजरें जरा दूसरी तरफ भी घुमाकर देखिए तो असलियत का पता चलेगा। आप ये भी तो देखिए कि दूसरी तरफ प्रीमियम का क्या हो रहा है। 200 वाला प्रीमियम आपका झटके से 100, 100 के बाद में 50, 50 के बाद में 10, आप इसमें भी तो फंस सकते थे, आप इसमें भी तो फंस सकते थे। और ऐसा ही होता है जी, ऐसा ही होता है। 90% लोग लॉस में इसी वजह से, क्योंकि उनके डिसीजन गलत होते हैं। डिसीजन गलत क्यों होंगे, नजरिया गलत होगा, और नजरिया गलत नहीं होता। देखिए 90% लोगों का डिसीजन गलत नहीं हो सकता। अगर जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं
उनकी अगर उनके अंदर से अगर 100 क्वेश्चन होते हैं तो उनमें से 25% का तुक्का लगता है। जी हाँ, 25% के अंदर अगर कोई बिल्कुल अनजान बंदा है वो जाकर के अगर 100 क्वेश्चन की भरेगा, फिल करेगा, तो उसमें से 25% 20% का तुक्का लगेगा ही लगेगा, ठीक है। बट इस मार्केट के अंदर क्या होता है, इस मार्केट के अंदर क्या होता है, इस मार्केट के अंदर आपका तुक्का भी नहीं चलेगा। एक्चुअल में आपका तुक्का भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके तुक्के को रोकने के लिए यहां पर पहले ही एक इलाज का प्रबंध करके रखा है। एक तरीके की बीमारी है, उसे कहते हैं प्रीमियम डीके, सबसे बड़ी बीमारी इस मार्केट के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग का कैंसर जिसे हम कह सकते हैं, प्रीमियम डीके। पहले तो ये जकड़ लेगा, और ये भी नहीं जकड़ा तो वॉलिटिलिटी मार जाएगी। जिस चीज को 100 से कितना होल्ड करोगे भाई, कहीं तो उसको एग्जिट करोगे ना भाई। ये तो नहीं कि 100 के माल को 50 देख लोगे या 40 देख लोगे, इतना कलेजा भाई साहब हर किसी के पास नहीं होता, ना इतना पैसा किसी के पास होता। 100 का माल 70 आ जाएगा भाई साहब, फट के हाथ में आ जाती है। क्या आ जाती है पूछना मत, आप सबको पता है, बाकी कमेंट बॉक्स में आप बता ही दोगे, ठीक है। तो भाई साहब इतना होल्ड करने का जिगरा किसी के अंदर होता नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर मार्केट के अंदर उठापटक है या समुद्र में उठापटक है, तो अपनी नाव को दरिया से दूर किनारे पर रखिए और आराम से उठापटक का आनंद लीजिए। सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट है। 15 मिनट के ऊपर बात कर लेते हैं कि 15 मिनट के अंदर मार्केट के अंदर क्या हो सकता है कल के दौरान, एक छोटी सी रेंज के अंदर बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट अगेन अगर हमारा इसी तरीके से अगर यहाँ ओपन हो जाए, अगेन हमारा मार्केट इसी जगह फ्लैट ओपन हो जाए, तो आपको केवल और केवल इस रेंज का ध्यान रखना है। रेंज कितनी है, अपसाइड की तरफ बात करें 23,650, ठीक है। डाउन साइड की बात करें 23,500 का लेवल। और जो मैं इतनी बकवास पहली है ना मैंने, उसको सुन करके जो नए आते हैं ना इधर, वो उड़ गए होंगे। ये 15 मिनट का सीन उनको कल वो टेलीग्राम पे देखेंगे वीडियो, तब उनको समझ में आएगा यार इसने कब बोल दिया ये चीज। फिर वो अगेन वीडियो पे आएंगे। पता है एक रियलिटी फैक्ट बताऊं, जो जैसे हम ये वीडियो बनाते हैं, तो ये कल मॉर्निंग में 9 बजे से पहले पहले जो देखते हैं, उसके बाद में ये वीडियो खत्म है, क्योंकि इसे अब कोई देखेगा नहीं। जैसे ही मैंने कोई क्लिप डाली, जैसे मूवमेंट हो गई हमारे लेवल पे, मैं क्लिप डाल लेता हूँ कि हमने कल इस चीज के ऊपर बात की थी और हमें इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिली। फिर वो पता है कैसे इमोजी सेंड करते हैं, देखो मैं बताता हूँ, ये वाली इमोजी सेंड करते हैं, ये कब भेजा, ये कब बोला था। और अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात हम कर लेते हैं लेवल के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर इसी रेंज के अंदर मार्केट ओपन हो जाए और मार्केट इस लेवल का साइड की तरफ ब्रेक कर देता है, तो यहां से आपको 82-120 पॉइंट की मूवमेंट अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। डाउन साइड की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक होता है, कंफर्म कब होंगे, केवल और केवल इस लो के ब्रेक होने के बाद। लेवल है 23,480, इस लेवल के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो उसके बाद में आपको 82-90 पॉइंट की, 82-90 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ बन पे देखने को मिल सकती है। इन लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करने के बारे में सोचना, बाकी अप साइड और डाउन साइड का जो एक परफेक्ट लेवल है, इससे पहले जो लेवल बताए थे 400 पॉइंट की, जो आपको रेंज बताई गई थी, वो थी कि जिस दिन आपकी एक्सपायरी के अंदर जबरदस्त ब्लास्ट होगा वो लेवल ब्रेक होंगे, एक्सपायरी के अंदर बिल्कुल अगर काम नहीं करे तो ज्यादा बेटर है, एक्सपायरी को काम नहीं करना चाहिए। और इंडेक्स आप देख सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के अंदर जो मैंने आपसे कहा बीमारी प्रीमियम डीके की, आज मिड कैप के अंदर हमें क्या देखने को मिला, अगर आज मिड कैप के चार्ट को हम देखें तो मिड कैप के अंदर हमें क्या देखने को मिला, मार्केट आपका लगभग लगभग 12 बजे बाद मार्केट इस तरीके से आपका एक रेंज फंस गया। बताइए इसके अंदर मतलब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा बताओ, ये भी कोई बात होती है। इस तरीके से ट्रैप किए जाते हैं, आदमी मरे नहीं उसको मार दिया जाता है इस मार्केट के अंदर, इस मार्केट के अंदर दिखाया कुछ और जाता है। नजरिया में कह रहा था ना कि
कि सबका नजरिया गलत नहीं हो सकता, बट यहाँ दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। यहाँ होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। आपको ट्रैप करने के लिए ऐसा सेटअप बनाया जाता है कि आप उसके ऊपर ट्रैप हो जाओ, आप उसके अंदर ट्रैप हो जाओगे। इस तरीके के मामले हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आज का वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। राम राम सा और मेरी बकवास को झेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।